चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्केट एनालिसिस में। आज हम कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि हम किसी भी इक्विटी या कमोडिटी को बाई सेल के लिए सलाह नहीं देते हैं। इस वीडियो में ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। और आगे आप किसी भी कोई भी प्रॉफिट या लॉस करते हैं हमारे एनालिसिस के बेसिस पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि हमारा मेन व्यू ये है कि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करें, लर्न करें, स्टडी करें कि कैसे किस तरीके से कितना इजीली वे से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है थ्रू एनालिसिस एंड थ्रू एनी यूज सॉफ्टवेयर, मतलब किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके या एनालिसिस के बेसिस पे या लर्निंग के बेसिस पे किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है और कितना परसेंट एक्यूरेसी के साथ हम काम कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्रूड ऑयल की क्या बाई सेल लेवल निकल करके आई है, उसकी हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टडी करेंगे। कमोडिटी स्कैन एनालिसिस में जाएंगे हम, और जो कल की क्लोजिंग प्राइस है उसके बेसिस पे स्टडी हम करते हैं। कल क्रूड में गिरावट आने वाली थी 3140 के नीचे, लेकिन वो फिर से दोबारा ऊपर की तरफ 20 पॉइंट का डाउनसाइड दिखा करके दोबारा से रिकवर कर गया। तो आज किस लेवल पे क्या बनता है उसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो ऑर्बिट एनालिसिस के बेसिस पे, जो गैन टाइम के बेसिस पे बना हुआ ऑर्बिट एनालिसिस है, वो उसके बेसिस पे जो लेवल निकल करके आया है, कल की जो क्लोजिंग है 3143 पे क्लोजिंग है 3143, और उसके बेसिस पे जो बाइंग है 3157 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो 3200 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं, और 3130 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप सेल कर सकते हैं 3087 का टारगेट के लिए। पहला टारगेट जो होगा 3115, 3102 एंड 3087। तो इस तरीके से आज का जो टारगेट है, अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करता है उस डायरेक्शन में आपको पोजीशन डेवलप करके काम करना है। तो 3157-58 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बाई करना है 3200 के टारगेट के लिए। 3200 का टारगेट तब आएगा जब पहला टारगेट होगा 3171 का, दूसरा टारगेट 3185 का, तीसरा टारगेट 3200 रुपये का, और उसी तरीके से सेल 3129 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट 3115, दूसरा टारगेट 3101, तीसरा टारगेट 3087। किसी भी कारणवश अगर बॉटम बनता है तो ये इंट्राडे में सॉफ्टवेयर कैसे आपको हेल्प कर सकता है। सपोज बॉटम बन गया, 3100 रुपये का लो मार दिया और वहाँ से रिकवरी आती है, सपोज 3100 का लो मार के प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ आती है तो 3113 के ऊपर, 14 के ऊपर आता है तो आपको बाई करना है, टारगेट होगा 3155 का, और 3186 के नीचे जाता है तो दोबारा से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में भी वैल्यू डाल करके आप स्कैन कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं कि कौन से प्राइस पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो ये रहा हमारा आज का क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अब देखते हैं सिल्वर की एनालिसिस। इस 30 नवंबर वाली एक्सपायरी की जो लेवल निकल करके आई है 41,630 पे बंद हुआ है, उसके बेसिस पे जो बाइंग करना है 41,682 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाई करना है 41,835 के टारगेट के लिए, और मैक्सिमम टारगेट जो होगा 42,000 का टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं अगर 835-840 के ऊपर अगर सस्टेन करता है। तो पहला टारगेट 840 का है, दूसरा टारगेट 42,000 का है, और अगर सेल इनिशिएट करना है तो उसके लिए आपको वॉच करना पड़ेगा 41,580 का लो ब्रेक करने पे आप सेल कर सकते हैं 41,275 का टारगेट के लिए, और 250 का टारगेट के लिए आप सिल्वर को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिल्वर की एनालिसिस। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस। ₹191.40 के ऊपर बंद किया है नेचुरल गैस ने, उसके बेसिस पे 193.70 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो 194.85, 196.60 और 198.90
38 का टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं, और सेल इनिशिएट करना है 189 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो 188 186 184 185 रुपये का टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल गैस का भी हमने इस आज के वीडियो में एनालिसिस किया कि क्या लेवल निकल कर के आया है बाई सेल के लिए। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट, लाइक और शेयर ये तीनों चीज़ करें। अगर आपको ये वीडियो डेली बेसिस पे नहीं मिलता है तो उसके लिए आपने बेल प्रेस नहीं किया है, आप अगर बेल प्रेस कर देंगे तो वीडियो अपलोड करते ही आपको मैसेज आ जाया करेगा कि हाँ हमारे तरफ से एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो उसको आप वहीं पर व्यू कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जोर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू से आप इंट्राडे बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, वैल्यू लेवल निकाल सकते हैं कौन से लेवल में बाई करना है। ओनली अगर कमोडिटी का सेम ओनली सिंगल स्क्रीन चाहिए तो उसके लिए 250 रुपया पर मंथ आपको पे करना है, ओनली 250 रुपया इस स्क्रीन के लिए, केवल इतना ही एनालिसिस के लिए। अगर लेकिन इक्विटी कमोडिटी के कंप्लीट एनालिसिस करना है तो उसके इक्विटी का 500 रुपये है और कमोडिटी का 250 रुपये, तो टोटल 750 रुपये का पैकेज है, वो हम आपको 551 रुपये में प्रोवाइड करेंगे। ओनली 551 रुपीज़ में कमोडिटी एंड इक्विटी दोनों का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जोर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।